उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है, सपा बसपा गठबंधन की केवल नौटंकी कर रही है। अगर सही मायने में गठबंधन होता तो कुछ न कुछ न्यूनतम कार्यक्रम होता गठबंधन का, कोई न कोई मुद्दे शामिल होते, जनता के हितों की उसमें कुछ कारण और उद्देश्य भी होते। इस गठबंधन में दूर दूर तक इसका कहीं अता पता नहीं है, इसलिए यह गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टियों से भगदड़ को रोकने के लिए जल्दबाजी में ये नाटक किया है। लोकसभा चुनाव घोषणा के पूर्व यह गठबंधन अपने आप धराशायी होगा, जमींदोज हो जाएगा, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश और माया दोनों इस वक्त बौखलाए हुए हैं भाजपा से? स्वाभाविक रूप से जिसका जलाधार खिसकता है, बौखलाहट स्वाभाविक है। और आज ये लोग हताशा निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए हताशा निराशा के कारण ही ये अनाप शनाप बयानबाजी समय समय पर करते रहते हैं। क्योंकि मंदिर का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और इसलिए जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, उसे लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, धैर्य और संयम बरतना चाहिए। ये जानते हुए भी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रहते हुए उस प्रकरण पर न सरकार कुछ कर सकती है और न्यायपालिका के सम्मान में जनता भी नहीं कर सकती है, इसलिए न्यायपालिका के सम्मान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना ही एक विकल्प। तो ये क्या लगता है कि जो पी राजभर उलझुल बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा की छवि को धूमिल कर रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे गठबंधन के मंत्री, उनको अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कुछ फितरतबाजी और पैतरेबाजी करने के वादी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान इसलिए नहीं लेती है, अगर वो हमारी सरकार में मंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, सरकार के सहयोगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ हैं। अगर उनको कोई परहेज होता तो वो मंत्री नहीं होते, मंत्री हैं इसका मतलब सरकार के साथ हैं। क्या भाजपा के लिए वो भस्मासुर बन गए क्या? भस्मासुर तो अपना ही संहार करता है और अगर उनके अंदर विवेक होगा, बुद्धि होगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति भस्मासुर बनने की कोशिश नहीं करेगा। भाजपा में आपके आने से जनाधार बढ़ा है, तो ऐसे में क्या दलितों को भी टिकट मिलेगा आने वाले 2019 के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो स्वाभाविक रूप से सभी जात वर्ग धर्म मजहब के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है, सत्ता शासन में हिस्सेदारी भी मिल रही है और आगे भी मिलेगा। तो क्या टिकट जो होंगे वो जातिगत देखते हुए जिस तरीके से है माइनॉरिटी को भी और दलितों को भी टिकट दिया जाएगा? देखिए, राजनीतिक सहभागिता सबकी होगी, कौन कहाँ लड़ेगा ये हमारा संगठन देख रहेगा, संगठन की सहमति पर केंद्रीय नेतृत्व का अंतिम फैसला होगा और जो अभी निर्णय गर्भ में है पूर्व से उस पर किसी प्रकार की क्यासबाजी लगाना उचित नहीं है।